हेलो गुड मॉर्निंग. आज गुरुवार 5 तारीख की मुरली है. आज बाप दादा बंबई पधारे हुए हैं. कृष्णवाही ब्रह्मा संसारी सतयुग कराए ब्रह्मा संते शिव की वाणी ब्रह्मा संते शिव की वाणी मिटा रही ब्रह्म जाया शिव गोपाल आया शिव गोपाल आया शिव गोपाल आया शिव गोपाल. अभिमानी जन भीष्म द्रोण से कभी न दे इनके साथ अभिमानी जन भीष्म द्रोण से कभी न दे इनके साथ भोले भाले गोप गोपिया देते इनके हाथ में हाथ भोले भाले गोप गोपिया देते इनके हाथ में हाथ. दैवी सृष्टि रचने वाला दैवी सृष्टि रचने वाला असुर सृष्टि का काल आया शिव गोपाल आया शिव गोपाल आया शिव गोपाल आया शिव गोपाल. बड़े बड़े विद्वान मनीषी बने ज्ञान के सूर बड़े बड़े विद्वान मनीषी बने ज्ञान के सूर. सच तो यह है सत्य ज्ञान से सभी हुए है दूर सच तो यह है सत्य ज्ञान से सभी हुए है दूर. हम आत्माए गौ एक असुर विकारी पास अभी छुड़ा कर सिखा रहा है सहज ज्ञान की बात अभी कर सिखा रहा है सहज ज्ञान की बात. इसीलिए है नाम पड़ा इसीलिए है नाम पड़ा गौरक्षक गोपाल आया शिव 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 गोपाल उसको समझ नाम ही रख दिया है जिसका सेंस गऊ पाल माताएं गऊ का गया है और कन्याओं का भी पाल पालन करने वाला किसान. ये कौन कहा किसने ये गाया साजन ने गाया सज्जनियों पर क्या कहते हैं सज्जनिया भक्तिया को सज्जनिया कहते हैं. सभी है भगत है और एक है भगवान जिसका कहते हैं सभी है सीताए एक है राम जिसको शिव भी कहे जाते हैं. राम वो नहीं रघुपति राघव राजा राम वो नहीं ना ये साजन जिसको कहे जाते हैं और सभी सज्जनिया वो कहते हैं सज्जनियों को. सज्जनिया तुम जागी हुई तो हो फिर तुमको फिर भी कुछ थोड़ा सा ज्ञान भीत डालने के लिए आए हुए हैं और फिर नई नई सज्जनिया को फिर जगाने भी आए हैं. ठीक है ना बच्ची क्यों कभी तो नया युग आया नई दुनिया गांधी भी बेचारा मांगते थे नई दुनिया में नया भारत और राम राज्य हो. अच्छा वो वही समय है वो कौरव पति तो वो पांडव पति वो यादव पति हो जो यूरोपवासी. ठीक है नहीं अब तुम बच्चों ने समझ गया कि जो गीता है किस समय की है. गीता तो जरूर इस समय की होनी चाहिए जबकि यादव पांडव कौरव है प्रैक्टिकल में कलयुग का भी अंत है
संगम भी है और बराबर है, नया युग भी होना है जरूर, क्योंकि कलयुग के बाद है ये सतयुग। तो बाप कहते हैं देखो आए हैं मैं अपने सिकिलदे बच्चों को, क्योंकि सिकिलदे तो हो जरूर क्योंकि 5000 बरस के बाद फिर से आए हैं तुमको, जो सो गए थे उनको जगाने के लिए, ठीक है ना बच्ची, वो ज्योत जो उजाली गई थी उनको फिर ज्ञान घृत देने के लिए, सुझा करने के लिए। क्यों ये बच्चे तो जानते हैं कि बरोबर है नहीं, अपनी वही सुख की राजधानी व सुखदान कहें वो स्थापन हो रहा है, क्योंकि बच्चों को जो यहाँ आते हैं ये तो मालूम है तुम यहाँ आते हैं और हम पढ़ते हैं यहाँ और भगवान पढ़ाते हैं, भगवान कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं ना, कृष्ण के लिए तो बाप समझाया है ना बच्चे कि नहीं ये जो ज्ञान मिलते हैं सो तुम ब्राह्मणों को मिलते हैं और फिर तुम ब्राह्मणों को ज्ञान मिलते हैं और कोई को नहीं, तुम जब भी ब्रह्मा के ब्राह्मण बनते हो मुखवंशावली तुमको बैठ करके मैं सुनाता हूँ, क्योंकि समझाया गया है कि ब्रह्मा के मुख कवल से ब्राह्मण फिर उनको देवता देवी देवता बनाने के लिए सहजराज योग सिखला रहे। तो देखो तुम नीचे बहुत मीठे बच्चे थे ना, तो ऐसे बच्चों को मीठे मीठे बच्चों को बाप आकर के पहले पहले कह रहे मेरे स्वीट चिल्ड्रेन बिल्लव इज मोस्ट चिल्ड्रेन ऐसे कहेंगे नहीं, क्योंकि तुम हो विजयमाला के दाने थे भूल गए हो, अब तुम जानते हो कि बरोबर हम शिव बाबा के विजयमाला के दाने बन गए हैं, तुम भी कहते हो मोस्ट बिल्लविद सीत शिव बाबा, तो जरूर उनके बच्चे भी तो ऐसे होंगे ना बिल्लविद। तो बाप बैठ करके ऐसे स्वीटेस्ट चिल्ड्रेन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सबको नहीं कहेंगे स्वीटेस्ट ना, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट ऐसे कह जाते हैं ना बच्चे, तो तुम्हारे में भी ऐसे नंबर वार जरूर है और फिर ऐसे जो स्वीटेस्ट है जो मददगार है, क्योंकि स्वीटेस्ट जो है जो सर्विस एबल है वो मददगार है, तो जो मददगार बनते हैं जिसके उनको थैंक्स भी देते हैं, ठीक है नहीं, तो आप आकर के तुमसे क्यों रहते बच्चों को जो मददगार है उनको फिर कहते हैं थैंक्स और फिर नमस्ते भी कहते हैं स्वीट चिल्ड्रेन को, क्यों कहते हैं नमस्ते बोले तुम मालिक हो, है नहीं, जैसे बाप होते हैं तो बच्चे होते हैं तो बाप के रचना का मालिक, जैसे बाप कहते हैं मैं रचता हूँ और तुम हो रचना के मालिक, मैं मालिक नहीं बनता हूँ, इसलिए बाबा ने समझाया कि बच्चे मैं बिल्कुल ही निष्कामी हूँ, ये मनुष्य जो निष्काम निष्काम कहते हैं नहीं सेवा नहीं, कोई भी ऐसी सेवा निष्काम करते ही नहीं, वो जानते हैं कि जो अच्छा काम करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में मिलेंगे, तो बाप तो कहते हैं फल तो तुम बच्चों को मिलना है, मुझे तो कोई फल की दरकार नहीं है, मैं तो आया ही हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए, क्यों भक्त कंगाल है दुखी है मोहताज है बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं, क्यों दुर्गति को पाई ड्रामा में है ना बच्चे, दुर्गति को पाना ही है, ये जो भी वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद वगैरह पढ़ते 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 किसने बनाई है, ये मनुष्यों ने बनाई है नहीं, मैं तो बैठ करके इन शास्त्रों को जो इनमें है रचे हुए मनुष्यों के जिनमें कोई सार नहीं है, देखो बाप समझाते नहीं बोलते हैं कहा पढ़ते आए भाई कब से भक्ति मार्ग शुरू होगा तब से पढ़ते आए हैं, तो बाप बैठ कर समझाते हैं कहा बरोबर भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू हुआ है, क्योंकि सत्युग और त्रेता में तो भक्ति होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो है ही गोल्डन और सिल्वर एज, उसको जुबली कहा जाता है गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली और सुखदान कहा जाते हैं, भक्ति होती है शुरू तब फिर मनुष्य बैठ करके शास्त्र बनाते हैं, कहते हैं भाई व्यास ने, अरे व्यास तो तुम हो नहीं बच्चे, तुम हो सुखदेव के बच्चे व्यास, क्योंकि सुखदेव बैठ करके तुमको ये सच्ची गीता का राज समझाते हैं, सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों का साधुओं का महात्माओं का सब राज समझाते हैं,
देखो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तो कोई समझा नहीं सके ना बच्ची, बता ये जो भी शास्त्र बने हैं उनमें तो कुछ है नहीं, न है सार न है, तभी तो शास्त्र पढ़ते गीता है पढ़ते गीता, देखो गीता भी बहुत पढ़ते हैं, तो इनमें सार नहीं है तो इसलिए बेचारे दुखी हो गए हैं, पतित हो गए हैं। नहीं तो गीता, गीता से तो तुम राजाओं के राजे बनते हो नहीं, तो ऐसे कोई है क्या गीता पाठशाला जिनमें बैठ करके गीता सुनाने वाला कहेंगे तुम अभी भविष्य सत्यों के राजाओं के राजा बनेंगे, हम तुमकी राजाओं का राजा बनाने के लिए सिखलाता हूँ, ऐसे कभी नहीं कहेंगे। फिर बाप कहते हैं मैं कह सकता हूँ, मैं ब्रह्मा के तरण द्वारा, फिर ये भी तो सज्जनी है, जैसे ये सज्जनी और बच्चा है तैसे तुम भी सज्जनी और बच्चे हो, तो नहीं है ना बच्चे न। तो बाप बैठ के बच्चों को समझाते हैं कि मीठे लागले बच्चे, अब ये जो भी पुराने शास्त्र वगैरह ये तो सबको भूल जाना है, और बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब ये देह जो भी धर्म है नहीं भक्ति पूजा वगैरह वगैरह छोड़ करके अभी तो अशरीर बैठ जाओ, अशरीर रहने से तुम जैसे कि तुम्हारे पास रियल डेड साइलेंस हो जाएगी, वो जो शांति में जाते हैं वो रियल शांति नहीं होती है, शांति में जाते हैं नहीं बहुत ही चुप करके बैठ जाते हैं, खड़े में बैठ जाते हैं शांति के लिए, मत्था मारते हैं, सब कोई बोलते हैं शांति शांति, नहीं शांति या हो नहीं सकती, दुख धाम में अशांति ही है। तो ये तो समझा गया अशांत बना है रावण, देखो वो रावण का बाबा ने अभी चित्र बनाए रहे हैं, बाबा ने समझाया भी है कि दो स्त्री और पुरुष उनके दस शीष, पांच विकार उनके, पांच विकार उनके, तो हो गया युगल रावण का रूप। अच्छा वहीं पे विष्णु के दो रूप सत्यु के, ये भी प्रवृत्ति मार्ग, देखो ये भी प्रवृत्ति मार्ग, बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे कवि बनाए छप रहे हैं, विष्णु दिख रहा है एक तरफ में ये रावण संप्रदाय स्त्री और पुरुष जन्म में भी पांच विकार है, वो खुद रावण का युगल रूप है, वो भी युगल हो गया ना बच्चे, उनको भी ऐसे बताते हैं रावण की भी स्त्री थी ना कोई, क्या मधोदरी थी या बड़ा नहीं था, तो दो तो वो सब विकार ही खेरे ना था बच्ची, और वो उस तरफ में फिर जगह विष्णु के दो रूप है लक्ष्मी और नारायण, वो प्रवृत्ति मार्ग सत्यु का, ये प्रवृत्ति मार्ग कलयुग का, ये विशेष प्रवृत्ति मार्ग वो वाइसलेस प्रवृत्ति मार्ग, वो निर्विकारी प्रवृत्ति मार्ग ये विकारी, और इस भारत में थे दोनों और कोई जगह में नहीं होते हैं बच्चे ना, यहाँ की बात है रावण को भी यहाँ जलाते हैं। तो बात करके समझाने के लिए कि कैसे है ये कलयुग में प्रवृत्ति मार्ग कौन है, तो अपन को तो कोई रावण समझते नहीं, नहीं वो तो उन रावण को बना करके जलाते हैं, नहीं तो जो एसी जी बनाते हैं वो सब भी अपनी अपनी जैसे बनाते हैं, परंतु नहीं हो तो जल नहीं सकते, तो बाप आकर के इन दोनों को इन विकारों को जलाए योगाग्नि से, फिर अनुकूल चुनाव जैसे बनाते हैं, दोनों को युगलों को ही कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम जैसे रावण संप्रदाय फिर उनका जैसे आसुर संप्रदाय, बाबा कहते मैं आगे भी समझाया था ना कि ये सभी है आसुर संप्रदाय, अभी आसुर संप्रदाय कहो या रावण संप्रदाय को बात एक ही है, दोनों रावण का रूप हो गया, अभी आते हैं नहीं रावण का, तो ये छप रहे हैं बच्चे सर्विस तो करेंगे ना बच्चे जाएंगे अच्छी तरह से भारतवासियों को, देखो इस समय में बाप ने आकर के कहा है कि ये सभी है, अभी बाप तो कह सकते हैं नहीं सभी के पास, जबकि बाप को समझ जावे कहाँ, बरोबरी बाप बैठ के समझाते हैं, अभी समझते हो अर्थ को तो समझाते नहीं कि बरोबर इस समय में हरेक विकारी है। अच्छा ये एक में पांच विकार जरूर है, उसमें नंबर वन है देवमान, इसलिए बाबा भी कहते हैं देवमान छोड़ो देवमान बनो और अपन को नंगा आत्मा समझ करके मेरे साथ योग लगाओ, तो फिर ये जो विकर्म है जन्म जन्मांतर का वो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, फिर तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे युगल बन जाएंगे सदा सुखी बनेंगे, अभी तो ये आशीष संप्रदाय सुखी तो नहीं ना बच्चे, ये तो है जैसे सन्यासी कहते हैं कांग विस्तार समान तो बरोबर मूत पलीति ही उसको ही कहा जाते हैं नी, और सुख दो राजन का फर्क है नी, ये जो समझते हैं कि हमको एरोप्लेन से है पैसे हैं धनवान है फलाना चीज है, वो बेचारे यही अपन को कहते हैं स्वर्ग में है, उनके लिए ये नॉलेज नहीं है, ये तो गरीब आबाद साधारण सबका बड़े मुफ्त होते हैं।
साहूकारों का बड़ा हंगामा, बाबा बहुत हद समझाए साहूकार का, बड़े हंगामा उनको, हमारे बच्चे बड़े बच्चे पोते पर पोते इनसे, अभी उनको ये मालूम तो है नहीं बच्चों को कि विनाश सामने है, जबकि आकर के अच्छी तरह से समझे कि भाई ये विनाश होने का है, अभी तो सब खत्म हो जाने, देश है सब कुछ खलास होते हैं, इसलिए बाबा बच्चों को समझाते हैं। कैसे समझाते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, सिक्के लदे बच्चे, अभी ऐसे तो कोई समझा ही नहीं सके, सिक्के लदे बच्चे का अर्थ कोई समझ नहीं सके, 5000 वर्ष के बाद फिर से मेरे लाडले बच्चे मिले, फिर से आकर के तुम बच्चों को, अरे बॉम्बे में भी फिर से आया वो दादा देखता नहीं, फिर से आना पड़ते, फिर से दिल्ली में जाना पड़ेगा, मामा बाबा को आना पड़ते हैं, फिर से क्या करें, जो जागते हैं उनको और ही ज्ञान का घेर डालते हैं, डालते जाएंगे नहीं हा? जब तक एकदम दीवार अच्छी तरह से अस्थायी दीवार हो जाए, अस्थायी बन जाए, अभी तो तूफान लगते हैं नहीं, अरे कोई कोई कर दिया एकदम गुल हो जाते हैं, भूत भी जाते हैं, कोई का ठंडा हो जाते हैं, होता है नहीं, बच्चों की अवस्था आप ही भी लिखते हैं, बा आज थोड़ा कुछ वो माया का तूफान थोड़ा आया है, कोई न कोई बात से मुरझाए गए हैं, तो आते नहीं, तो फिर आना पड़े नहीं बच्चों के पास, फिर गृह ज्ञान का देने के लिए फिर आया हुआ है बच्चों के पास, और फिर बोलते हैं देखो औरों को भी जगह है ना बच्चे, जैसे बाबा है रहम दिल, जैसे तुम भी बहुत रहम दिल बनो, खास उसमें भी बाबा कहते नहीं जो भगत, अभी भगत है बाबा के, वही है जो भगत भगवान बनते हैं, जो देवता बनते हैं, तो जो भी देवताओं के पुजारी है कृष्ण के खास मुझ गए हैं ना बेचारे, वो समझते हैं गीता कृष्ण ने गाई, सारी दुनिया समझती है कृष्ण ने गाई, इसलिए बाबा से सब बेमुख होकर सबका बुद्धि योग टूट गया, जब तुम बच्चे बैठ कर करके और अच्छी तरह से धन धोरे पिटवाएंगे कि नहीं, ये गीता जिसे भारत स्वर्ग बनते हैं उसका नाम ही बदल गया, सिर्फ नाम बदल देने से, बाबा को डिफेम करने से और बच्चे का नाम देने से ये बात की दुर्दशा है ना, बात की दुर्दशा क्यों सुनते तो आते हैं, गीता तो अभी भी है ना भारत में, तो जो गीता सुनते आए उनके साथ जो भी शास्त्र सुनते आए हैं वो जन्म जन्मांतर सुनते आए, नतीजा कोई सार नहीं शास्त्रों में, तो बाबा करके समझाते हैं कि मीठे बच्चे अभी तुम तो समझ गए हो, सबको समझाओ, बाबा ने समझाया कि शिव चित्र आगे करो, फिर लक्ष्मी नारायण का चित्र भी आगे करो, अभी कृष्ण का चित्र रखने से मुंह पड़ते हैं मनुष्य, क्योंकि द्वापर में बेचारे को ले आए हैं, तो अभी सर्विस करना चाहिए बच्चों को, तुम ठंडे बहुत हो सर्विस में, यहाँ बाबा तो बहुत प्रकार के समझाते हैं, बस शिव का चित्र लो और वो लक्ष्मी नारायण का, अभी तो छपा है बच्चे ने, एक छोटा छपाया है, अभी बड़ा छपाए लेंगे, को ये बैठ करके समझाओ कि भाई ये शिव की तो रचना है, ये सारी स्वर्ग तो शिव की रचना है, जिसके बच्चे बाप कहते हैं, ऐसे तो कोई दूसरा बाप नहीं होगा जो कहेंगे मैं रचता हूँ, तुम जानते हो कि ये राम राज्य या सुर का बादशाह रच रहा हूँ और तुम बच्चों को ही मालिक बनाता हूँ, इसलिए बाप कहते हैं कि मैं निष्काम सेवा अगर करता है तो सुर मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, दूसरा कोई निष्काम सेवा ऐसे नहीं कर सके, बिल्कुल नहीं, और मनुष्य तो बेचारे बुद्ध हुआ है एकदम, वो समझते हैं जो भी पैसेंजर मैसेंजर आए हैं नहीं, वो सभी फिर वापस में की जो तुम्हें समाए गए नहीं, वो सभी इस समय में कबर दाखिल है, जो भी ये सभी है हजरतें और प्रसिद्ध, देखो जो पहले नंबर में ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाती है ब्राह्मणों की, शिव बाबा से रचते हैं वो, देखो कबर दाखिल, ठीक है नहीं, तो जब वो कबर दाखिल है तो सब कबर दाखिल होंगे, तो जब वो पुनर्जन्म में आते हैं तो सब जो स्थापक होंगे सब पुनर्जन्म में आते होंगे, देखो तुम भी तो सभी पुनर्जन्म में आते हो, पुनर्जन्म से कोई छूट नहीं सकते हैं, अब ये तुम बच्चों के बुद्धि में सारा ड्रामा का राग रहा, बाबा ने कल भी वहां समझाया, ये तुम जानते हो बच्चे के ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा एक है, फिर दूसरा कोई है नहीं इतना ऊंचा, नीचे आ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनका बाबा ने अच्छा कल वर्णन किया है, वहां भी टेप में है अच्छी तरह से, क्यों ये त्रिमूर्ति चित्र भी रखना चाहिए यहाँ समझाने के लिए, ये कौन है, ये तीन इनका रचने वाला कौन, वो कहाँ से लग गया, समझे ना बच्ची, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, अभी देखो ब्रह्मा का भी तो रचता का है ना, शुक्र मतलब का नहीं, यहाँ का पिता ब्रह्मा,
तो बाप आकर के समझ जाते तुम अभी इससे इसको ब्रह्मा का नाम दिया नहीं, इसके तुम अभी जो शरीरधारी हो तो बने और जो आत्मा है उसमें मेरे हो, इसलिए उनको कहा जाते हैं बाप दादा। अभी गीता में ऐसे तो लिखा हुआ नहीं है, कृष्ण के लिए तो कुछ ऐसी बातें लिखी नहीं है, वो लिखा हुआ है बराबर के हमको मोहन रूप दिखला, और मोहन तो खुद ही था मुझे, अगर कृष्ण हो तो मोहन का ही उनको जाता है, मोहनी रूप उनको ही कहा जाते हैं, अभी उनको दिख लेने के बाद अगर कोई समझा रहे तो मुझे नहीं, ये कृष्ण के भी रूप में नहीं था, कृष्ण कोई दूसरे रूप में ये भी नहीं चल सकते हैं, कृष्ण कोई दूसरा रूप, कृष्ण दूसरा रूप तो रहेंगे वहां नहीं, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो वहां लेंगे, कृष्ण वाली पिछाड़ी जन्म में सभी आएगा। तो देखो कितनी सभी गुचमन की बातें हैं समझने की, और ये समझने वाले भी तो अच्छी बुद्धि चाहिए ना, अब समझेंगे और धारण करेंगे और समझाएंगे और जिनकी बुद्धि विशाल होगा और शरीर में तत्पर होंगे, सुना और न सुनाया कोई काम का न रहा, सर्विस का ही बच्चों को इजाफा मिलेगा, सर्विस न करेंगे तो इजाफा थोड़ी, बाप कहते हैं इजाफा थोड़ी देंगे, गवर्नमेंट का भी जो सर्विस अच्छी करते हैं बहुत करते हैं तो इजाफा देते हैं, पगार बढ़ाते रहते हैं, ये भी बाबा कहते हैं तुम्हारा भी तो पगार बढ़ेगा नहीं, पगार तो तुम्हारा बढ़ा है नहीं बहुत तुम बच्चों का, तो बच्चे रूहानी संत रूहानी सोशल वर्कर्स हो, किसके हो वर्कर्स है बाप के, तो बोलते हैं अच्छी तरह से वर्क करेंगे तो इजाफा भी मिलेंगे, इजाफा तो बड़ा लंबा चौड़ा है कोई काम थोड़ी है, 21 जन्म के लिए सदा सुख का इजाफा पाना है तो इसमें तो बच्चे कोई तकलीफ तो नहीं मिलती है, ये डरना के तो कोई बात नहीं है, बाप तो कहते घर में बैठे हुए सिर्फ अपन को अभी शरीर समझ के बाप को याद करो, शरीर होते याद करो, ये बच्ची देखो जब बैठ के कोई की पूजा की जाती है तो बुद्धि चली जाती है, तो शरीर में भी है बुद्धि तो दूसरी जाती है नहीं, तो अभी सब कुछ करते हुए बुद्धि सिर्फ वहाँ बाबा के पास जानी है बस, ये सब बोलता बुद्धि मेरे साथ, क्योंकि खुद आकर के कहते हैं ये बच्चे है मेरे लाडले बच्चे, अभी शरीर का मोह छोड़ो अशरीरी बनो, और मुझे फिर अपने अशरीरी बाप को, क्योंकि अशरीरों का बाप अशरीरी, शरीर वालों का बाप शरीर वाले, तो मुझे अशरीर को याद करो, ये कौन कहते हैं, ये नहीं कहते हैं ना, वो कहते हैं इन द्वारा, नहीं तो मेरा बाप किस द्वारा कहे, कैसे उनको अपना शरीर नहीं ना, मुझे ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना कहा है, मुझे तो ऊंचा लक्ष्मी नारायण चलो मनुष्य उनको अपना है, इनको अपना शरीर तो है ही नहीं, दिखराते ही कभी नहीं, तो बता मैं कैसे आकर के बच्चों की सेवा करूं, फर्ज अदाई करूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम फिर से सब दुखी हो गए हो, भारतवासी बहुत 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 दुखी हो गए हो, लोगों कितनी आफत में पड़ गए हो, वो तो है अरब कारखंड कांग्रेस का समान सुख, जिनको वो सुख है बाकी तो बच्चे सुख है, इसको नाम ही है दुखधाम, तो बच्चे सुखधाम का मालिक बनना है तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं बाबा, बच्चे सिर्फ मुझे याद करो शरीर बंद कर करके मुझे याद करो तो तुम्हारा विक्रम विनाश होते हैं, बाबा वार वार समझाते हैं कि मेरे के साथ बुद्धि ये लोगों तुम कहते हैं बिल्लव इज मोस्ट, तो बिल्लव इज मोस्ट तो बाकी जो न बिल्लव है उनको छोड़ना पड़े ना बच्ची, तो बस फिर बिल्लव इज मोस्ट तो ठहरा हुआ, एक बच्चा एक बच्ची एक बच्चा बस जाते कभी पीछे त्रेता जब आती है तब पीछे जब आती है तब कभी कभी जो भी होता है वो नहीं दिख रहा है अल्लाह और कुछ हमें तीसरे नहीं दिख रहा है, पर ये सिर्फ निशानी है शास्त्र में, बाकी ऐसे नहीं कि लव और कुछ को दब से फरार से न, उस समय में योग बल चला आते हैं बड़े बड़ा आदमी हमको शरीर बदल करना है, तो नाम का मिसाल होते है ना बच्ची शरीर बदल करके दूसरा नया लेता है वो साक्षात्कार होते हैं, यहाँ पहले शरीर जो करे तो वो घर जाना है बाबा के पास जाना है, स्वीट होम जाता है स्वीट बाबा आया हुआ है और बताते सिर्फ मुझे तुम इतनी भक्ति भक्ति जाने के घर का सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारा जो याद है उनसे भी कर्म विनाश होगा और पावन बन जाएंगे, और कोई उपाय पथ को पावन बनने का है नहीं, यहाँ पथ पिछाई की सजा है जैसे काफी कलवत होते नहीं ऐसे प्रतिशत में सजा पाएंगे, सजा पाते हैं हिसाब किताब चुप करके सभी आत्माओं का जो दुख का है हिसाब किताब वो पूरा होगा, फिर नए सत्य सुख सुख पहले सुख सतोप्रधान फिर सत्यो फिर रजो फिर तब हो पिछड़ में सब आकर सब बनते हाँ, हमको सभी वहाँ बाप मिला और फिर क्या चाहिए, गरीब को भी बाप मिला याद साहूकारों को भी बाप मिला याद, इसमें कोई फर्क तो है नहीं, आत्मा
वो तो शरीर तो है परंतु धर्म में वो बोलता मैं गरीब हूँ। आत्मा कहती है भाई शरीर में मैं गरीब हूँ। एक आत्मा कहते मैं शाहूकार हूँ। बोलते शाहूकार हो गरीब हो, बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। तो गरीब तो है बेचारे दुखी, इसलिए बाप को याद कर। वो शाहूकार है ही सुखी, तो देखो उनको सुख अगर होने पर वो याद नहीं करते, इसलिए गाए जाते गरीबन वाज। गरीब जो होते हैं नहीं वो दुखी तो है ही, तो वो देखो याद करते। सबसे गरीब कौन है नंबर वन भाई? सबसे गरीब तो कन्याए है, समझे नहीं? क्योंकि उनको तो व्यवस्था नहीं मिलता है। जब पति के पास जावे, जब विख के लेन देन करे, कभी उनको सभी तो सुख तो वही है, और धन भी तो नहीं है, हाफ पार्टनर भी नहीं है। वहाँ तो हाफ पार्टनर तो क्या, वो तो है ही रानी और राजा, उनमें कोई भी वो गड़बड़ है नहीं। यहाँ तो हाफ पार्टनर भी नहीं है, इसलिए क्या आज में कुछ है सभी ना, इसलिए फिर चाबी देते हैं स्त्रियों के कि तुम ही सबका उद्धार करना। साधु संत महात्मा का तुम कही तो दूध मीठा है ना, लंबे है जीवन के रास्ते, यानी यात्रा लंबी है। जहाँ जीना है बाप को याद करना है, तो उनके लिए भी टाइम बोलते हैं। पर शुरू करो एक से अपना चार्ट रखो, देखो दिन में कितना समय याद करते हो, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, डेढ़, दो, इतना करते करते 8 घंटा तुमको जरूर याद करना है। पीछे 8 घंटा जो याद करेंगे नहीं, वो 500 का अंदर हो जाएगा। अभी जैसे नहीं 24 घंटा तो नहीं कहते, नहीं 8 घंटे, फिर कोई 8, कोई 7, कोई 6, कोई 5, कोई 4, ऐसे वो याद करने से फिर ये माला बनती है या आराधना बनती है। अच्छा वो अगर ये ज्ञान का गीत दो अक्षर है, ये गाना है, हम सुन के फिर सुनाएंगे, ये हो गया गाना। और फिर तुम तो जैसे लिखा हो कि अति इंद्रिया सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, गोपी वाला भी कोई गोप गोपियों से तो यहाँ पूछो नहीं, सत्य में तो गोप गोपी होते नहीं, हो तो वहाँ आ गई होती है यही तुम कहलाते हो गोपियाँ और गोपी। अगर फिर छोड़ दिया दीप उज जाएगा, फिर धारा नहीं होंगी, पदभ्रष्ट हो जाएंगे। हाँ अच्छा अभी टाइम हुआ तो ले जाना बच्ची, तो बस पुराने हो गया और खत्म हो जाएंगे। नहीं ये अपना गीत गाते रहना, नाच से इसको कहा जाता है ज्ञान का डांस। कृष्ण विष्णु की बात नहीं बच्ची, ये है ज्ञान का डांस इसको कहा जाता है। पति है नॉलेज, ये अक्षर मेहमा के लिए दिए गए हैं। आज कौन जाते हैं पावन बनाते रहते हैं, बीच बीच में कोई पत्र बना एक यात्रा पर हो नहीं, उस यात्रा में अगर जाते जाते कोई रास्ते में पत्र दुर्घटना तो वही यात्रा कहां से हुई। ये भी ऐसे है, ये लंबा चक्कर है यार, वो तो जब फिर आकर के फिर जोता खाते हैं विकार में। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ कोई भी नहीं, लंबी है बच्ची ये, इसमें जितना समय तुम याद में रहेंगे यात्रा में रहेंगे विकार में नहीं जाएंगे। नहीं तो गया खाना खराब, या तो खाना आबाद होने या खाना खराब, तो खाना आबाद और खराब उसको कहा जाता है। यहाँ तो सूर्यवंशी घराने में आएंगे जंगल में, यहाँ तो प्रजा में आएंगे, फिर बहुत प्रजा में तो एकदम, और प्रजा में शवकार होते हैं उनके भी नौकर चाहिए, वो भी यहाँ बनना है। तो शरीर में नहीं जो बची मात पिता जिसे तुम बालक हो, ठीक है नहीं? तो माता पिता बरोबर बालक बैठे जानते के मात पिता, तो मात पिता अपने स्किल दे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग या विदाई फॉर द टाइम बीइंग फॉर द समय के लिए।